हेलो मेरे फूडीज, कुकी पंडित्रानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी, जिसे आप 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। गैस पर रख देंगे कढ़ाई, और ये मैंने लिया है दूध जो आधा किलो है, फुल क्रीम है और कच्चा है। अब इसे डाल देते हैं कढ़ाई के अंदर। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है, उबला हुआ दूध है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप टोन दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो दूध कढ़ाई के अंदर डाला है ना, उसमें से 1.5 चम्मच दूध मैं एक कटोरी में निकाल लूंगी। ये दूध मैंने कटोरी में इसलिए निकाला है क्योंकि इसके अंदर हमें कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करना है। अगर आप डायरेक्ट मिक्स कर दोगे ना, तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो अब दूध को उबल जाने देते हैं। तो जब तक दूध उबल रहा है ना, हमने जिस कटोरी में दूध को निकाला था, उसके अंदर मिक्स कर देंगे वनीला का कस्टर्ड पाउडर। और कस्टर्ड पाउडर मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 चम्मच। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना बने। और जब भी आप कस्टर्ड पाउडर को दूध में मिक्स करोगे ना, तो आप ठंडे दूध में मिक्स करें या फिर नॉर्मल दूध में मिक्स करें, गर्म दूध में बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप गर्म दूध में करोगे ना, तो उसमें लम्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कस्टर्ड पाउडर और दूध तो अच्छे से मिक्स हो चुका है और दूध में भी उबल आने वाला है। दूध में उबाल आ चुका है, गैस को कम कर देते हैं। और अब बारी है इसके अंदर मीठा डालने की, मतलब चीनी डालने की। तो चीनी मैंने यहाँ पर ली है 1/2 कटोरी। आप चीनी ना अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो चीनी डाली है ना हमने इसके अंदर, वो अच्छे से घुल जाए। बारी है जो दूध के अंदर हमने कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करा था ना, उसे भी बुला लेते हैं। और ये सारा ना आपको एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही ना हम इसको डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे। सारा आपको एक साथ नहीं डालना है। अगर आपने एक साथ सारा डाल दिया ना, तो भी इसके अंदर लम्स बन सकते हैं। तो अब थोड़ा सा और डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप सूखा कस्टर्ड पाउडर भी दूध के अंदर डालोगे ना ऐसे डायरेक्ट, तो भी लम्स बन सकते हैं। इसलिए आप पहले दूध के अंदर उसे अच्छे से मिक्स कर लें, अभी दूध के अंदर डालें। तो सारा कस्टर्ड पाउडर जो हमने दूध में मिक्स किया था ना, उसे डाल दिया है। अब इसे चलाते ही रहना है, और गैस का जो फ्लेम है उसको आपको मीडियम ही रखना है। और फिर आप देखना कि ये धीरे 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 ना गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, और उसको गाढ़ा होने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और अभी ये कितना पतला था, अब ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब आपको ये लगातार चलाते ही रहना है। और फ्रूट कस्टर्ड आप कभी भी बना सकते हैं, क्योंकि इसको बनाना बहुत ही आसान है। और इसको बनाने के लिए ना आपको ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ चीनी, कस्टर्ड पाउडर और दूध ही चाहिए। फ्रूट्स ना आप अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। और फ्रूट कस्टर्ड खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये फ्रूट कस्टर्ड ना आपने घर पे बनाया है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। सबको यही लगेगा कि आप मार्केट से लेके आए हो। बस दूध को हमें यहीं तक पकाना है, और ये गाढ़ा हो चुका है। इससे ज्यादा गाढ़ा आपको नहीं करना है। आप इससे पतला कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। ये तो बनकर तैयार हो चुका है, गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। और ये देखिए, ये अभी इतना गर्म है, फिर भी इसके ऊपर अभी से मलाई जमनी शुरू हो चुकी है। ठंडा होने के बाद ये और भी ज्यादा थिक हो जाएगा और मलाईदार हो जाएगा। अभी इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और इसके अंदर अभी फ्रूट्स नहीं डालने हैं, जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसके अंदर फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो चलते हैं और इसे फ्रिज में रख देते हैं। कस्टर्ड को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। और इसके ऊपर देखिए कितनी मोटी मलाई जम चुकी है। ये मैं ना आपको चम्मच से दिखाती हूँ, ऐसे नहीं पता चलेगा। और ये देखिए कितना मलाईदार बना है ये, और कितना गाढ़ा हो चुका है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इससे ज़्यादा गाढ़ा आपको नहीं करना है, ठंडा होने के बाद वो अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसे तो हमने अच्छे से मिला दिया है, अब इसको साइड में रख देते हैं। और मैंने कौन कौन से फ्रूट्स लिए हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है आम, अंगूर, केले, अनार और सेब। जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है ना, वो फ्रूट्स आप ले सकते हैं, या फिर इन फ्रूट्स में से आप जो भी नहीं खाते हैं ना, उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो आप फ्रूट्स की प्लेट को हटा देते हैं और कस्टर्ड को बुला लेते हैं। तो फ्रूट्स की बारिश करना शुरू कर देते हैं। तो डाल देते हैं केले, अंगूर। अंगूर को ना मैंने बीच में से काटा है, आप चाहो तो इसके और भी छोटे टुकड़े कर सकते हैं, नहीं तो साबुत भी डाल सकते हैं। और अब डाल देंगे अनार, अनार तो वैसे ही इतना छोटा है, तो उसके तो टुकड़े नहीं कर सकते। अब डाल देंगे आम, और आम को भी मैंने छोटे टुकड़ों में ही काटा है, और ये तो सीजन ही चल रहा है आम का। और अब डाल देंगे सेब।
सेब के जो छिलके हैं ना वो मैंने हटा दिए हैं। अगर आपको पसंद है तो आप बिना छिले भी इसको डाल सकते हैं। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रूट कस्टर्ड अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप चाहो तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। अब इसे निकाल लेते हैं कटोरी में। और क्या इसको कटोरी में ही निकालना पड़ेगा? अगर आपने अपने भाई बहनों को दे दिया ना ऐसे ही, तो वापस नहीं मिलने का, सारा ही खत्म होके फिर आपको वापस मिलेगा। आपको ऐसे यकीन नहीं हो रहा है ना? नहीं। आप इसको एक बार बनाना और फिर सबको खिलाना, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने रिश्तेदार सबको खिलाना। आपको पता चलेगा कि आपने ये फ्रूट कस्टर्ड कितना टेस्टी बनाया है। तो फ्रूट कस्टर्ड मैंने कटोरी में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर बिना मैं थोड़े से फ्रूट्स और काट के डाल दूंगी। जब भी आप किसी को खाने के लिए दोगे ना, तो ऊपर से भी जरूर डाल कर देना फ्रूट्स, तो और भी अच्छा लगेगा देखने में। फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार हो चुका है और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में ना उससे ज्यादा ही अच्छा है। आप 10 में से 10 नंबर पक्का दोगे। ले लीजिए, कुछ खा लीजिए। रील्स देखते देखते आपको भूख लग गई होगी। मैं तो चलिए इसको खाने, तो आप भी ना इसको जरूर ट्राई करना, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। और जब आप इसे ट्राई करोगे तो इसका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना मेरे इंस्टाग्राम पर। आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं, कुकी फैट विद रानी मेरा इंस्टाग्राम पेज है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपको मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा ना आप मेरी इस रेसिपी को शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ।